डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर सेवन क्या है? चैप्टर नंबर सेवन है एंटी डेरिवेटिव का। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का हम शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जैसे आपने डेरिवेटिव निकाला है, डिफ्रेंशिएट किया है किसी फंक्शन का, वो आपने सीखा है, तो उसका इनवर्स प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन, या इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का एंटी होगा। नोटेशन इसको लिखेंगे कैसे? ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रल का, एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है? ये एफ का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या है? इंटीग्रेशन होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल जो चैप्टर है, इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन। तो अब हमने कहा एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कैसे? सपोज हम डिफ्रेंशिएट में हम कैसे करते थे? सपोज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है, इसका हम डीवाई डीएक्स निकालें, तो क्या होगा? एन प्लस वन आगे, ये तो है ही एन प्लस वन नीचे, और एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन करते थे हम, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स की पावर एन। इसका मतलब क्या था? एक्स की पावर जो एन है, ये किसका डेरिवेटिव है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का। अब आप बोलेंगे कि ये तो डेरिवेटिव हो गया, अब एंटी डेरिवेटिव इसका यानी इंटीग्रल किसका? एक्स की पावर एन का। अब एफ एक्स जो फंक्शन है एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव इसका ये है, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये, यानी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लेकिन इसमें साथ में क्या लेंगे? प्लस सी, जो कांस्टेंट है वो जरूर लेना है। तो जिसका डेरिवेटिव होगा उसी फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा जो हमने डेरिवेटिव निकाला है। जैसे ये हमारे पास था एक्स की पावर एन, यानी इसका डेरिवेटिव क्या है? एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? यही। तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव। इस वे से सपोज हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या था? वन। तो इंटीग्रेशन वन का क्या होगा? एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो जिसका डेरिवेटिव जो फंक्शन आता है, जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो डेरिवेटिव बन गया। तो यही इसमें एंटी डेरिवेटिव बताया गया है। अब जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कोस एक्स, ये था। तो हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसी वजह से डी बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या था? साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स प्लस सी। और डी बाई डी एक्स टेंजेंट एक्स था, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी इंटीग्रल क्या होगा? वो होगा टेन एक्स प्लस सी। इसी वे से डी बाई डी एक्स माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा
कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स का क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये जो डेरिवेटिव होगा इंटीग्रल उसका एंटी डेरिवेटिव होगा। जैसे साइन एक्स डेरिवेटिव कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस, सीकेंट स्क्वायर का क्या होगा टेन, कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट, ये इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या था, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये डेरिवेटिव था। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स प्लस सी, ये होना चाहिए। इसी वजह से डी बाई डी एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इक्वल में माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये होगा। तो इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इसी वजह से हमारे पास आगे जो थे जैसे साइन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जिसका डेरिवेटिव जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा। तो इसमें इसलिए ये एंटी डेरिवेटिव है। तो ये फार्मूले भी है जो हम एक्सरसाइज में यूज भी करेंगे। कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसका क्या था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। इसी में से डी बाई डी एक्स आपने टेन इनवर्स का भी किया था, टेन इनवर्स एक्स जो आपने डेरिवेटिव में किए वो फंक्शन सभी लेंगे हम। तो इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस सी। इसी वजह से डी बाई डी एक्स माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूले इसमें हमने डिस्कस किए हैं। इसी के बेस जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका क्या था वन अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसी वजह से इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी वजह से डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो इसका क्या था वन अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी वजह से इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। प्लस सी जो है वो कांस्टेंट टर्म आपको अवश्य करनी है इसमें जब इंटीग्रेशन निकाले। तो इसी वजह से अगर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या था ई की एक्स, तो इंटीग्रेशन भी ई की एक्स का ई की एक्स ही होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा प्लस सी।
और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या था, वन अपॉन एक्स, लेकिन यहां वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और प्लस सी। इसी में से डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, इसका डेरिवेटिव क्या था, ये था ए की पावर एक्स। इसी वजह से ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, जिनका हम 7.1 में एक्सरसाइज जो है उसमें प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव किसका, साइन 2x का। तो हमें एंटी डेरिवेटिव की वजह से हम निकालते हैं, एंटी डेरिवेटिव कैसे होगा, सपोज वी राइट ए फंक्शन, वी राइट ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव, हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x, साइन 2x। इसका मतलब क्या है, हम ऐसा फंक्शन लिखेंगे या लिखते हैं जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो, यानी साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या लिखते हैं, dy dx ऑफ cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x और 2x का 2, यानी माइनस 2 साइन 2x हो गया इसका डेरिवेटिव, या हम इसको लिखें तो माइनस 1 अपॉन 2 डी बाई डी एक्स कोस 2x इक्वल में साइन 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एंटी डेरिवेटिव कहा तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 2x का माइनस 1 अपॉन 2 कोस 2x, माइनस 1 अपॉन 2 कोस 2x, ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। सपोज क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं, उसमें क्या, तो कोस इसमें 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोस 3x का डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, कोस 3x डेरिवेटिव किस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कोस 3x है तो वही फंक्शन लिखेंगे, तो कोस 3x किसका डेरिवेटिव है, साइन 3x का, इसे ले लेते हैं, या हम कह सकते हैं डी बाई डी एक्स किसका, साइन 3x, तो साइन 3x का डेरिवेटिव हम निकालें तो क्या होगा, कोस 3x और 3x का 1/3, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 3x वो क्या हो जाएगा, ये 1/3 वहां भी ले जाए तो 1/3 डी बाई डी एक्स साइन 3x, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 3x, यानी कोस 3x रखा है हमें यहां, तो कोस 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 साइन 3x, ये हो जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव, किसका, कोस 3x का। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है e की पावर 2x, तो हम ये देखेंगे कि e की पावर 2x यानी e की 2x किसका डेरिवेटिव है, तो d बाई डी एक्स, हमें ये पता होना चाहिए e की 2x का डेरिवेटिव e की 2x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x और 2x का 1/2, ये होगा, ये 1/2 ले जाए तो 1/2 डी बाई डी एक्स e की पावर 2x, e की 2x हो गया। अब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा,
एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका वन अपॉन टू ई की पावर टू एक्स, ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर फोर इसमें है ए एक्स प्लस बी और पावर है इसकी टू, तो हम ये सोचते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो d बाई डी एक्स। अब आप कहेंगे कि किसका डेरिवेटिव है, क्योंकि ये पावर टू है तो एक पावर ज्यादा होगी इसमें, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, थ्री इंटू में ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का a, लेकिन हमें तो ये हो जाएगा स्क्वेयर, यहां स्क्वेयर भी होगा। अब हमारे पास जो हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्टली निकाल लिया हमें, थ्री बार आ जाएगा ये फंक्शन एज इट इज, और इसका और a हो जाएगा, तो हमें तो किसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव इसका, तो ये बाकी यहां डिवाइड में कर देंगे, तो वन अपॉन थ्री ए डी बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस बी पावर थ्री इक्वल में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एंटी डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा किसका, इसका, तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री ए एक्स प्लस बी पावर क्यूब, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स, तो ये जो है किसका डेरिवेटिव है, क्योंकि साइन टू एक्स तो कोस का होता है वैसे तो कोस टू एक्स, लेकिन माइनस आएगा तो, और टू एक्स का टू भी होता है, तो अब डेरिवेटिव ये किसका हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू कोस टू एक्स माइनस ई की थ्री एक्स का, ई की थ्री एक्स ही डेरिवेटिव होता है, तो ये किसका हो जाएगा, फोर अपॉन थ्री ई की पावर थ्री एक्स, माइनस वन अपॉन टू तो है ही, और कोस टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, साइन टू एक्स और टू एक्स का इंटू में टू, माइनस फोर अपॉन थ्री तो है ही, ई की थ्री एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, ई की थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या आएगा, माइनस साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स, ये हो गया हमारे पास, लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है साइन टू एक्स माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि कोस टू एक्स क्या कहता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर लेंगे हम, तो अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव यानी इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा, तो इसलिए यानी साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स, ये डेरिवेटिव किसका, इसका हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, यानी एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू कोस टू एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री ई की पावर थ्री एक्स, ये इसका हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर फाइव तक जो इसमें कहा था इसने एंटी डेरिवेटिव, बात वही होती है, लेकिन आप कहेंगे कि ये जो एंटी डेरिवेटिव है ये मेथड जो है ये सिंपल नहीं लगा हमें, तो इसी वे से हम निकालेंगे, इसको भी निकाल के दिखाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर जो फाइव था, और बाकी ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उसमें कहता है ये दो फंक्शन हो गए, अब इनको अलग अलग कर लेंगे, जैसे एक हमने कर लिया फोर ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स साथ मिलाएंगे प्लस वन इंटू डी एक्स, अब जो कांस्टेंट हमारे पास या कोफिशिएंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो 4e की पावर 3x dx प्लस 1 इंटू dx, तो 4e की पावर 3x है, तो e की x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेम होता है,
तो e की 3x का 3x, लेकिन इसमें जो कोफिशियंट लेते हैं x का वो डिवाइड में लेते हैं, तो 3x का क्या हुआ 3, ये डिवाइड में लेंगे, प्लस कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन क्या 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और प्लस में c। इसी वजह से अगर हम इसका निकालें तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इसको हम अगर निकालें तो साइन इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन dx अलग अलग कर लेंगे, माइनस 4 बार ले लेंगे और e की पावर 3x dx, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का क्या था माइनस कोस, तो माइनस कोस 2x और 2x का को x का कोएफिशिएंट 2 बाई में 2 माइनस 4 e की 3x का, e की 3x होता है और 3x का x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 बाई में 3 और प्लस c, तो ये आ जाएगा यही सेम, तो इस वजह से आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्यों किया है, क्योंकि इसमें एंटी डेरिवेटिव पूछा था, उसने होता वो इंटीग्रेशन ही है, तो एंटी डेरिवेटिव में हमें इस वे से करना था। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इनटू में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके देख लिया जाएगा तो 1 और डीएक्स, या इसको अलग अलग फंक्शन कर ले हम तो एक एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस एक 1 डीएक्स, दो फंक्शन हो गए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने जो फार्मूले में किया था तो क्या होगा, इसमें जो पावर है उसमें एक ऐड होता है और वही पावर नीचे आएगी जो ऐड करने के बाद है ये, और माइनस 1 का क्या होगा एक्स और प्लस सी, तो इसको एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। डेरिवेटिव में पावर कम होती है इंटीग्रेशन में, क्योंकि एंटी इसका प्लस हो गई है, जैसे डेरिवेटिव में क्या करते हैं एक्स की पावर 2 हो तो 2 बार आता है और एक पावर कम हो जाती है तो 2 एक्स की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा एक्स की पावर इसमें एक ऐड होगी और जो पावर ऐड होने के बाद है वो डिवाइड में होगी, उसमें मल्टीप्लाई में होती थी इसमें डिवाइड में होगी। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन है इंटीग्रेशन में, तो तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर है, हमें तो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन निकालना होता है तो जो फंक्शन एक्स या वाई होता है उनका निकालते हैं, इसी वजह से ए जो है बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन से, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर डीएक्स, यानी तीनों फंक्शन अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस बी बाहर इंटीग्रेशन से इनटू में एक्स डीएक्स, प्लस सी बार कर लेंगे और 1 डीएक्स, तो ए तो है ही, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 प्लस 1 पावर और 2 प्लस 1 नीचे प्लस बी, इसमें एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1 थी तो 1 प्लस 1 हो जाएगी और नीचे 1 प्लस 1 प्लस सी, तो है ही 1 का इंटीग्रेशन क्या था एक्स और प्लस में सी, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स और प्लस में सी, ये सी कांस्टेंट वाला। क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है कि इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स डीएक्स, इसका निकालना, हम जो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं जो फंक्शन है उसकी पावर यानी एक्स की पावर है वो कौन सा निकाल रहे हैं, हमें था एक्स की पावर एन डीएक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक पावर ऐड होगी प्लस वन हो जाएगा प्लस वन और वही पावर एज इट इज नीचे, इसी वजह से यहां है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है डीएक्स प्लस ई की एक्स डीएक्स, दो फंक्शन अलग अलग कर लिए हमने तो 2 एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स की पावर एन था तो एन में प्लस वन किया तो 2 में प्लस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस में
e की x का क्या होगा, e की x और प्लस में c, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे है अंडर रूट माइनस 1 अपॉन रूट x पावर 2 यानी होल स्क्वायर है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं होल स्क्वायर का सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन x हो जाएगा माइनस 2ab अंडर रूट x इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। अब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 ये तो कैंसिल ही हो गया था इनटू में dx। अब तीन फंक्शन हो गए, इनके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x का dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 और 1 का इंटीग्रेशन। अब x का क्या होगा, x की पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वही पावर ऐड होके 2 नीचे आएगी, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log of x हुआ, क्यों 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव है log x का, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x माइनस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx, तो ये क्या है, ये इसका एलसीएम है इन सभी का, तो अलग अलग कर लेते हैं पहले हम, जैसे x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx, क्योंकि ये सभी का एलसीएम था, तो इसको अलग अलग करेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 2 dx, ये x की पावर माइनस 2 को लिखा क्योंकि ये नीचे था, तो अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो अब ये अलग अलग कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन प्लस 5 का इंटीग्रेशन माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस 5 बार लेंगे 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस 4 और x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c, तो दिस इंप्लाइज इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4, ये पावर माइनस 1 होगी नीचे आ जाएगी और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x, 1 अपॉन x यानी या यही कर लें हम 1 अपॉन x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x यानी x की पावर 1 अपॉन 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी वजह से हम अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो x क्यूब अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 अंडर रूट होता है प्लस 3x अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 और dx। अब ये बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होगी माइनस, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 में से 1 बाई 2 माइनस कर लेंगे 3 माइनस 1 बाई 2 तो 5 बाई 2 हो गई इसकी पावर प्लस 3x, x की पावर क्या हो गई 1 में से 1 बाई 2 जाएगा तो 1 बाई 2 प्लस x और x की पावर माइनस 1 बाई 2 dx, ये क्यों ऊपर ले गए हम इसको, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो x क्या हो जाएगा 5 बाई 2 प्लस 1 तो 7 बाई 2 हो जाएगा और 7 बाई 2 नीचे भी प्लस 3 इंटू x, x की पावर क्या हो जाएगा 3 बाई 2 और 3 बाई 2 नीचे भी प्लस 4, x की पावर क्या हो जाएगा प्लस 1 करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा और प्लस c, इसको कैसे लिख सकते हैं x की पावर 7 बाई 2 2 बाई 7 इंटू में हो जाएगा क्योंकि 7 बाई 2 है नीचे और प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा तो 2 बाई 7 हो गया, ये 2 बाई 3 होगा 3 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा और x की पावर 3 बाई 2 प्लस 4 अंडर रूट x प्लस c,
या x की पावर 1/2 रहने देते हैं या अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, और ये 1/2 थी तो 1/2 नीचे भी आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8। तो ये 8 अंडर रूट x प्लस सी, क्योंकि 1/2 है तो 2/1 होगा, तो 4 × 2 = 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है x2 − x² + x − 1 / x − 1। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इसको करें x − 1 से x³ − x² + x − 1। तो x² से जाएगा, तो ये x³ − x², ये माइनस ये प्लस, ये 0, तो प्लस x − 1। अब ये कितने जाएगा, प्लस 1 से, तो x − 1, तो ये माइनस ये प्लस, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, x² + 1। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, x² + 1 का dx, और इंटीग्रेशन करेंगे तो अब ये हो जाएगा x³/3, क्योंकि पावर एक ज्यादा होगी इसकी और डिवाइड में वही पावर आएगी, प्लस x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस ये अंडर रूट x, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1/2 है, 1/2 और 1 3/2, तो x की पावर 3/2 और dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, x की पावर 1/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन 3/2 dx, यहां भी dx लगा सकते हैं, तो ये x की पावर 1/2 + 1 इंटीग्रेशन, तो 1/2 + 1 नीचे, माइनस x की पावर 3/2 + 1 ऊपर और 3/2 + 1 नीचे, और प्लस में c, तो कितना हो जाएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 / 2/3 साथ में मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है, माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2, तो 2/5 इंटू में हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, अंडर रूट x इंटू में 3x² + 2x + 3, ये फंक्शन हमें दिए हैं, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या है x की पावर 1/2 लिख लेंगे पहले इसको, और 3x² + 2x + 3 dx, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर क्या आएगा, 2 ये है और 1/2 है, 2 × 4 और 1/5, तो 5/2 + 2 x की पावर 3/2, क्योंकि एक पावर ये है और 1/2 ये है, और प्लस 3x² / 1/2 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 × x² / 5/2 + 2 × x³/3/2 dx, यहां भी dx लगा सकते हैं, प्लस 3 × x² / 1/2 dx। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करें हम 3 × x² / 5/2 + 1 और 5/2 + 1 नीचे, प्लस 2 × x² / 3/2 + 1 और 3/2 + 1 नीचे, प्लस 3 × x² / 1/2 + 1 ऊपर और 1/2 + 1 नीचे, और प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो 3 × 2/7 ये हमने थोड़ा सोल्व कर लिया है, और प्लस में ये हमारे पास हो जाएगा अब 3 × x² / 3/2 और नीचे 3/2 है, और प्लस c, ये 2/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6/7 × x² / 7/2 प्लस 4/5 × x² / 5/2 प्लस ये 3/2 है, 3/2 प्लस c, तो इसको हमने सोल्व करते 6/7 × x² / 7/2 ये 4/5 आ जाएगा, x² / 5/2 प्लस 1/2 × x³/3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 2x − 3cos x + e की पावर x dx, अलग अलग करते हैं, तो 2 × x dx
माइनस थ्री बार इंटीग्रेशन से कोस एक्स डीएक्स, क्योंकि जितने भी फंक्शन हमारे पास होते हैं उनको अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस थ्री कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस ई की एक्स का क्या होगा, ई की एक्स और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो उसी वे से हम अलग अलग कर लेते हैं सभी इंटीग्रेशन का, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स प्लस फाइव अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो टू ये कितना हो जाएगा, एक्स थ्री बाई थ्री माइनस थ्री साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ये ध्यान रखना है, तो प्लस हो जाएगा ये प्लस फाइव, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू है तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू और थ्री बाई टू नीचे और प्लस सी, तो टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री कोस एक्स प्लस ये टू ऊपर चला जाएगा तो टेन बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू और प्लस में सी इसका, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखा है secant x into में secant x plus tan x dx। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी, secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, दो फंक्शन हो गए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो secant स्क्वायर x dx प्लस secant x tan x dx। तो इसका इंटीग्रेशन secant स्क्वायर का क्या होता है, क्योंकि secant स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan tan x प्लस secant x tan x किसका डेरिवेटिव है, secant x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, secant x तो secant x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है secant स्क्वायर x अपॉन cosecant स्क्वायर x dx। अब आप कहेंगे इसमें ये तो डिवाइड में हो गया, secant स्क्वायर का तो वैसे होता है tan x, और तो लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि secant और cos में है, cosecant में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं पहले, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऊपर तो और नीचे 1 अपॉन sin स्क्वायर x, क्योंकि cosecant क्या होता है, 1 अपॉन sin, ये dx हो गया, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन, 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये sin स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x dx, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर इनटू में होगा sin स्क्वायर अपॉन 1, तो tan स्क्वायर x आ जाएगा। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि secant स्क्वायर का तो है, हमने जो निकाला secant स्क्वायर का है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं है, इसके लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था tan में भी यूज किया है, तो वो फार्मूला क्या होता है, secant स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर x का। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x dx का और माइनस 1 का dx, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो secant स्क्वायर का क्या होता है tan x और माइनस वन का क्या होता है एक्स और प्लस में सी, इसका ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऊपर हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं और नीचे एक ही फंक्शन दे रखा है, तो इसको अलग अलग हम डिनोमिनेटर्स का अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इसको करेंगे हम तो टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि वन अपॉन कोस क्या था सीकेंट, तो वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस और वन अपॉन कोस, तो ये जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि 3 साइन अपॉन कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर को हमने ब्रेक कर लिया कोस इंटू कोस, तो साइन अपॉन कोस टेन हो गया, 1 अपॉन कोस सीकेंट हो गया, तो ये आ जाएगा, तो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3
ये हो जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स डीएक्स। तो टू सीकेंट्स को क्या होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस थ्री, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट एक्स और प्लस में सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जिसे हमने फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस किए थे उसी वे से, वरना इंटीग्रेशन टाइप से इंटीग्रेशन दिया है इसमें साइन। तो क्या करेंगे, ये क्या है x की पावर 1/2 dx प्लस ये x की पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगी। ये कैसे, क्योंकि पावर ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2, तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1 प्लस x की पावर -1/2 + 1 और नीचे -1/2 + 1 प्लस सी। तो x की पावर क्या हो गया 3/2, तो ये 2/3 इंटू में हो जाएगा और इसमें क्या आएगा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/2 यानी अंडर रूट, और 1/2 नीचे है तो 2/1 और प्लस में सी। ये जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन इसका है, और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेंगे। इसमें अब इसमें कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या है 4x³ - 3/x⁴। ये कहता है डेरिवेटिव किसका एफ एक्स का, ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या जाएगा एफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव मीन इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहां से एफ एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसका अगर हम करेंगे तो 4x³ dx - 3 और 1/x⁴ dx, ये पूरा जो फंक्शन आएगा ये जो हमारे पास क्या जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, ये क्योंकि एंटी डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये एफ एक्स आ जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा x⁴/4 - 3, ये कितना आ जाएगा x⁴ + 1 और नीचे -4 + 1 और प्लस में सी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। इसका एंटी डेरिवेटिव कर लिया हमने तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया x⁴ - ये -3 आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस और ये कितना है 1/, ये 3 तो है ही साथ में, और 1/x³ हो जाएगा और नीचे कितना है माइनस तो माइनस प्लस हो गया 3 और इनटू में 3 हमारे पास ऊपर था, ये तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस में सी इक्वल में एफ एक्स आ गया। यानी x⁴ + 1/x³ + c इक्वल में एफ एक्स। अब इसने दिया क्या है f2 0 दे रखे है f2, तो x से 2 रखेंगे यहां भी 2 रखेंगे तो 2⁴ + 1/2³ + c इक्वल में f2 कितना है ये 2 रखा और f2 कितना आएगा 0, ये 0 आ गया। तो 2⁴ 2 × 4 × 8 × 16 प्लस 1/2 × 4 × 8 प्लस सी इक्वल में 0, ऐसे सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसी 16 × 28 + 1 = 129 / 8 प्लस सी, ये इक्वल में 0 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 129/8 माइनस का आएगा, तो ये तो सी आ गया। अब सी की वैल्यू किस में कमी एफ एक्स निकालना है तो यहां रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x⁴ + 1/x³ - 129/8 ये क्या आ गया एफ एक्स आ गया, ये आंसर आ जाएगा सर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।